हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अ लिटिल डिफरेंट वीडियो। टाइटल देखिए आप समझ चुके हो, दिस इज अबाउट फेक हॉट व्हील्स। सो राइट नाउ आई एम फिल्मिंग दिस इंट्रो पार्ट इन माय होम बिकॉज आई वाज विजिटिंग अ स्टोर और उस स्टोर में आई एनकाउंटर्ड फेक हॉट व्हील्स। अब वहां पे बहुत ज्यादा ऐसा स्टोर में चिल्ला चिल्ला के फेक फेक बोलना अच्छा नहीं लगता है कि यू नो द शॉपकीपर माइट गेट हर्ट और समथिंग, तो इसलिए मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं। ओवर देयर आई विल बी अटैचिंग द क्लिप, मैंने उसमें बस दिखा दिया है कि व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कीप एन आई आउट फॉर, और फिर इसके साथ भी मैं कंपेयर करके बता दूंगा कि हाउ यू कैन कीप एन आई आउट एंड होपफुली दिस वीडियो शुड बी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे भाई मेरे पास, बहुत सारे कमेंट्स, आई वॉज सरप्राइज्ड कि इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बिकॉज अगर आप कलेक्ट करते हो तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, आप पहचान जाते हो, बट मुझे लगा कि अच्छा कुछ लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रही है तभी इतने कमेंट्स आ रहे हैं। सो होप दिस हेल्प्स यू। तो देखिए यहाँ पे ये जो अपना है, ये बेसिकली आप देखोगे इसका दाम यहाँ पे लिखा हुआ है 1999, और इसके नीचे एक और है वो मेरे ख्याल से आपका है लिखा है 2799। अब यहाँ पे इन कार्स की क्या खासियत है कि ये सारे आपके मेटल के हैं। मॉडल्स अगर आप देखोगे तो मॉडल्स आपको काफी सिमिलर मिलेंगे, जैसे कि ये पोर्शा की जो 9356 आउटलॉ होती है, या फिर ये जो घिया टीन लिखा है दिस इज इंस्पायर्ड बाय द फोक्सवैगन कर्मन घिया, ये जो ग्रेडी वाली है ये आपकी पोर्शा की 962 वगैरह आती है, ये फिएट 500 मोदिफिकाओ जो है। बट भाई ध्यान यहाँ पे देना है, ये जो हॉट व्हील लिखा है दिस इज फेक, यहाँ पे हॉट व्हील्स रियल होता है, ये वाला फेक होता है। तो अगर आपको मतलब जैसे अगर आप जानते नहीं हो कि कैसे इनको पहचाना जा सकता है, इसके लिए ही आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो। देखो बीटल मिल जाती है और इसमें आपको पोर्शा की ये टर्बो मॉडल है, तो बहुत सारे आपके ऐसे ऐसे मॉडल्स हैं जो इसमें आपको मिल जाते हैं। पीछे से बात कर लें, इसमें सारी गाड़ियों का नाम लिखा हुआ है, और देखो गाड़ियों का नाम रियली लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कॉकनी कैब लिखा हुआ है, डॉज चार्जर लिखा हुआ है, रोडस्टर लिखा हुआ है, तो ये जितने हॉट व्हील्स के रियल मॉडल्स हैं उनका नाम लिखा हुआ है। एक और चीज़ यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, यू कैन सी राइट हियर इट इज़ रिटन मेड इन चाइना। तो नॉर्मली जो हॉट व्हील्स होती हैं दे आर इधर मेड इन मलेशिया और थाईलैंड, तो इससे भी आप पहचान सकते हो। फिर बाकी भाई इस तरीके से बहुत सारी इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि आप डिफरेंस समझ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजिंग वगैरह कलर वगैरह को मैच कराने की कोशिश की गई है, लेकिन कलर मैच कराने के बाद भी काफ़ी हद तक इट्स अ लिटिल डिफरेंट। तो राइट नाउ दिस इज अ वेरी बिग पैक, 2000 का है, तो आई एम नॉट एबल टू बाय इट, बट इफ आई फाइंड सिंगल्स आई विल बाय इट एंड आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस टू यू गाइस। या फिर मेरे पास पुराने घर पे पड़ी होंगी, एक दो रिश्तेदारों में से किसी ने मेरे लिए लाया था, उसको मालूम नहीं था मतलब डिफरेंस रियल और उसका। बट बेसिक जैसे अभी अगर आप जा रहे हो तो डोंट बी फूल्ड, दिस इज नॉट द रियल डील, दे लुक लाइक रियल। यहाँ पे इनफैक्ट ये जो नाम वाम लिखे हैं दिस नेम्स आर लाइक सुपर कंफ्यूजिंग, जैसे प्रॉपर जो रियल होटल्स का नाम है ना उसको ही चेप दिया है, तो यू विल गेट कन्फ्यूज इफ यू आर न्यू स्पेशली, बट बी अ लिटल विजिलेंट एंड क्योंकि भाई देखो होटल्स की खासियत ये होती है कि दे हैव कलेक्टर वैल्यू एंड दीज आर प्योरली टॉयज, सो इफ यू वॉन्ट टू गिफ्ट टू अ किड इट स्टिल मेक सेंस, इट्स फाइन, बट इफ यू वॉन्ट टू बाय इट फॉर कलेक्टर पर्पसेज देन दिस इज नॉट गोइंग टू सर्व योर पर्पस, राइट। तो भाई उस स्टोर पे ना आपका ये था ही नहीं, रियल जो हॉट व्हील्स होती है ओरिजिनल जो ऐसी है। तो देखो यहाँ पे हॉट व्हील्स एस बहुत बार गायब रहता है, बहुत बार गायब नहीं भी रहता है, वो आप समझो कि वो आपको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि देखो अगर आप गाड़ियों के बारे में जानते हो तो आपको डिटेलिंग वगैरह देख के समझ में आ जाएगी, जैसे कि हॉट व्हील्स इस टाइप की डिटेलिंग आप जानते हो कि ये कास्टिंग हॉट व्हील्स ने बनाई है, जैसे आप मुझे फॉलो करते हो या फिर आपके और भी कोई सोर्सेज हैं जिससे आपको पता है कि अच्छा हॉट व्हील्स अभी ये बना रहा है, तो दीज आर द कलर्स विच हॉट व्हील्स मेक्स। अब यही गाड़ी आपको पिंक में पर्पल में मिल रही है और ऑफिशियल वो हॉट व्हील्स की रिलीज नहीं है, तो उसे भी पता चलेगा कि नहीं भाई कैन बी फेक। दूसरा देखो यहाँ पे मैं जिसकी बात कर रहा था, यू कैन सी मेड इन मलेशिया, यहाँ पे पूरी लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह दी रहती है, गाड़ी का नाम लिखा रहता है, तो यू सी गेट अ लॉट ऑफ डिटेल्स, पूरी लाइसेंसिंग इन्फो दी रहती है, उसमें बेस बिल्कुल ऐसा प्लेन सा रहेगा, उसमें मेड इन चाइना लिखा रहेगा या वो भी नहीं लिखा रहेगा। डिटेल्स वगैरह जैसे इसमें देखो ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह का लोगो बना हुआ है, खैर वो तो कॉपी करने वाले कुछ भी कर लेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये पूरी इंपोर्ट करने की ये जो रहती है ना मेटल का पूरा इसमें डिटेल दिया रहता है, कार्ड वगैरह से भी आप पहचान सकते हो। देखो इसमें कार्ड में जैसे वो मल्टी पैक था तो उसमें आपको कार्ड नहीं दिख रहा था, बट अगर कार्ड भी होता तो उसमें इस तरीके का ये जो स्क्रीन टाइम वगैरह होता है, सीरीज होती है हॉट व्हील्स की, सीरीज देख के आप समझ सकते हो कि अच्छा ये इस सीरीज का है हॉट व्हील्स, ये सीरीज बनाती है कि नहीं बनाती है। वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम लिख देते हैं ABCD। फिर यहाँ पे भाई सारी लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन दी रहती है, जितने इनके होते हैं ना बहुत सारा लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन 3+ वगैरह लिखा रहता है, क्यों नो दीज आर 3+, तो यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे आपको 3+ लिखा हुआ है। फिर MRP की बात कर लें, प्रोडक्ट नंबर की बात कर लें, क्वांटिटी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये जो पूरा स्टिकर होता है जो इम्पोर्ट करने के बाद हॉट व्हील्स में लगता है वो नहीं, यहाँ पे जो कोड्स दिए रहते हैं
तो यूजुअली जैसे जो एक्सपर्ट हॉट व्हील्स कलेक्टर्स हैं या फिर जो कलेक्ट करना शुरू कर चुके हैं उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, एक सेकंड में वो पहचान लेते हैं फेक। बट नया नया अगर आपने शुरू किया है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसीलिए आई वॉज सरप्राइज्ड कि अच्छा मुझे तो नहीं लगता था कि इस वीडियो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कलेक्ट कर रहा है पहले से वो एक बार में देख के ही समझ जाता है। बट अगर लोगों को तकलीफ हो रही है तो आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, क्योंकि भाई देखो हॉट व्हील्स अगर 180 का बेच रहे हैं ना तो हम नोटिसिंग कि फेक वाले भी 120 150 का बेच रहे हैं, तो 40 रुपये एक्स्ट्रा लगा के आदमी रियली क्यों नहीं खरीदेगा जिसकी कलेक्टर वैल्यू होगी। खेलने के लिए फिर आप कुछ भी ले लो, इट डजेंट मैटर, बट इफ यू वॉन्ट टू कलेक्ट इट देन देर इज नो रिप्लेसमेंट, एज सिंपल एज दैट। एनी वे स्मॉल वीडियो एंड दिस वॉज अ वेरी हैवीली डिमांडेड वीडियो, आई गॉट सो मेनी कमेंट्स ऑन दिस, सो जस्ट मेड अ स्मॉल वन, होप दिस हेल्प्स यू एंड थैंक यू।